हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बेस होने वाली है बॉलिंजर बैंड प्लस MACD स्ट्रैटजी के बारे में। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दिस इज़ पार्ट टू, और ये सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे। जैसा कि आपको पता है, ईच एंड एवरी कमेंट मैं आप लोगों की पढ़ता रहता हूँ, और जो भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगता है उस पे मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाता हूँ। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, सारी वीडियोस जो है देखो यार और कमेंट करो सबसे पहले। और दूसरी चीज़ यार, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी वर्क कर रही है, काफ़ी सारे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बहुत सारे मिले इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है अबाउट बॉलिंजर बैंड की, बॉलिंजर बैंड में हमने दो बार इसे क्यों यूज़ किया, जबकि हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्ट्रैटेजी जो है वो जब हम फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ ये जो पर्पल कलर की जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, सिर्फ इसको फॉलो करके हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने दो बार क्यों यूज़ किया, प्लस MACD और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़ यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप ट्रेडिंग से ना पैसा कमाना चाहते हो बाइनरी ऑप्शन से, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, धूम मचा रखी है टेक्निकल अवी फैमिली ने। तो यार आप जो है सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना और स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज वाली। और एक और चीज़ यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना तो यार अभी ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आप जो वेब इंटरफेस देख पा रहे हैं, ये मेरा ओलिम्ट्रेड का वेब इंटरफेस है, यानी ये मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है। यार लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं सेम स्ट्रैटजीज, तो यार उनके लिए आंसर है कि मोबाइल में काफ़ी सारी स्ट्रैटजीज जो हैं मोबाइल में हम नहीं यूज़ कर सकते। बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटजी भी मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकते, PC में आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर PC में यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रैटजी जो है कैसे वर्क करती है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। पार्ट वन आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लो प्लेलिस्ट में। और देखिए अब बॉलिंजर बैंड की सिचुएशन किस तरीके से, लाइक ये जो है किस तरीके से वर्क करती है स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आपको दो बॉलिंजर बैंड लेने हैं, यानी बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करना है, एक में आपको 15.2 और एक में 22 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक जो कलर है इसका कलर चेंज कर लेना, पर्पल कलर आप कर लेना। उसके बाद आप देखना करना क्या है, जैसे ही आपकी कैंडल जो है, कोई भी कैंडल इस पर्पल कलर की लाइन को क्रॉस करती है, सपोज का जी करिए कि अगर वो कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की है एंड देन सेकंड कैंडल रेड कलर की बनती है, आपको तब तक वेट करना है जब तक सेकंड जो कैंडल है वो रेड कलर की ना बने, यानी अपोजिट कलर, दूसरे कलर की ना बने। जैसे ही आपको सेकंड जो कैंडल है वो रेड कलर की दिखती है और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यानी ट्रेंड लाइन जो है ब्लू या वॉयलेंट कलर की, बैंगनी कलर की जो लाइन है, इसको वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर देती है, तब आपको 5 मिनट्स की ट्रेड ले लेनी है सेम डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है, लास्ट टाइम मैंने ट्रेड भी आपको लेके दिखाई थी। चलिए यार आज थोड़ा सा ना ट्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब MACD की बात करते हैं सबसे पहले, और ये बात करते हैं हमने दो दो यहाँ पर अप्लाई क्यों कर रखे हैं। देखिए अब हमने दो अप्लाई करने का क्या मतलब है, देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, तो अब देखो ये जो सेकंड बॉलिंजर बैंड है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मदद करता है। एक्चुअली नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन अगर मैं नाम दूँ इसे तो एक तरीके से देखो ये जो लेवल है, अब देखो ये वॉयलेंट और ये जो है दोनों के दोनों लेवल पे चल रहा है, इसका मतलब मार्केट पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टेबल नहीं है मार्केट तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये कंडीशंस आपको इस जो सेकंड इंडिकेटर है ये आपको इंडिकेट करता है कि कब मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं कब नहीं। अब बात करते हैं MACD की, तो MACD देखेंगे आप नीचे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो लाइन है ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन ने क्रॉस किया था रेड कलर की ट्रेंड लाइन को, तो सिंपली हमें इंडिकेशन मिला था यहाँ से लगभग यहाँ से कि मार्केट जो है नेक्स्ट थोड़े टाइम के लिए डाउन पे रहेगा। यहाँ पे अगर आप डाउन ट्रेड लेते 5 मिनट्स की तो भी आप विन करते, 1 मिनट की तो भी आप विन करते, तो ये भी काफ़ी हेल्प कर देता है कई बार, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने आपको इसका कॉम्बिनेशन बना के दिया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर करेंसी पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारा कोई भी इंडिकेशन हमें इस पर्टिकुलर करेंसी से नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ डेफिनेटली एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज जो है मार्केट सैटरडे का मार्केट है, तो अभी फ़िलहाल जो है करेंसी जो मेरे पास ओपन है वही मैं उसी में ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल्स जो है
वो ग्रीन कलर की कैंडल देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की, तो 3 या 4 कैंडल्स आप ग्रीन कलर की देख पा रहे हैं। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक ये नेक्स्ट कैंडल आपको रेड कलर की नहीं मिल जाती। जैसे ही आपको नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कलर की मिलती है या दिखती है और उसने ये वॉयलेंट कलर की लाइन को क्रॉस किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे आप। जैसे ही रेड कलर की कैंडल ने वॉयलेंट कलर की कैंडल को, या माफी चाहूंगा, लाइन को, ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया, तब आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है 5 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और देखो आप विन कर जाते। सेम यही सिचुएशन में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड, आपको थोड़ा सा और से सिनेरियो अगर मुझे मिलता है इससे रिगार्डिंग तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर इससे रिगार्डिंग मुझे कुछ थोड़ा सा और। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रेड कलर की कैंडल ने क्रॉस किया था ट्रेंड लाइन को, वॉयलेट कलर की ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था, और जैसे ही क्रॉस किया था नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी थी ग्रीन। जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल ने यहाँ पे वॉयलेंट कलर की लाइन को क्रॉस किया तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। अगर आप यहाँ पे लेते तो नेक्स्ट 5 मिनट्स का अगर हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आप विन कर जाते डेफिनेटली ईजिली। अब आप कोई भी कंडीशन में आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ये हमारी जो ट्रेड है वो वर्क करती है या नहीं करती। अब कुछ लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपकी 1 मिनट के लिए वर्क करेगी, तो यार मैं उनके लिए आंसर करना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए जो है वर्क करने के चांसेस बहुत कम है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। बट देखिए अब यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन ने ब्लू ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, अब यहाँ पे जैसे ही मुझे रेड कलर की ट्रेंड लाइन मिली और इसने वॉयलेंट कलर की लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही क्रॉस किया, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड लेता तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो मैं विन कर जाता। ठीक है, अगले 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक भी मार्केट नीचे ही है तो मैं विन कर जाता। अब देखो अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ तो 1 मिनट की ट्रेड भी मैं यहाँ पे विन करता, लेकिन कई बार ऐसा होता है मार्केट अच्छा नहीं होता, अब ये रेड कलर की बनी है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की भी बन जाए, कई बार इस तरीके का सिनेरियो मिल जाते हैं, इसलिए हम MACD को नीचे फॉलो करते हैं। तो ये है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सेम कंडीशंस यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये है एक्सेप्शनल केस। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस किया है ट्रेंड लाइन को, अब यहाँ पे देखो एक रेड कलर की कैंडल ने भी क्रॉस किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो हम हार जाते। इन यही सिनेरियोज़ हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। 10 में से यहाँ पे आप 8 ट्रेड ज़रूर विन करोगे इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेके। अब यार एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो लगभग 7 से 8 मिनट की हो गई है और आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, यार भाई की स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, यूज़ ज़रूर करना वीडियो को, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, अच्छी आती है तो यार प्यारा सा कमेंट कर देना, और एक प्यारी सी कमेंट और एक प्यारा सा लाइक यार आपकी तरफ से, क्योंकि एक कमेंट और लाइक आपका बहुत मोटिवेशन देता है और इस मोटिवेशन के चलते आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। अब चलते हैं आगे और ट्रेड लेते हैं एक। अभी देखिए अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे अगर ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है तो मेरे को करना क्या है, सिंपली 5 मिनट्स की ट्रेड मुझे पुट करनी है, 5 मिनट्स की ट्रेड और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मेरा बढ़ा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कर देता हूँ अभी फिलहाल $100, $50 इज इनफ आई थिंक, $50 कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप मेरा लाइव अकाउंट है, तो अभी मैं लाइव अकाउंट से ही आपको ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। हम यहाँ पे लगभग 2 से 3 ट्रेड लेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको वर्किंग जो है इस स्ट्रैटेजी की वो समझ आ जाएगी, और डेफिनेटली जब आप अपने अकाउंट में ट्रेड लेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, यार भाई उतना करने के बाद अगर मज़ा आया ना, डेफिनेटली आप भाई को दुआ ज़रूर दोगे, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जो यहाँ तक मुझे लेके आई हैं, और आपके लिए ही अभी काम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी ट्रेडिंग को एक लेवल तक इजी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शुरू से, या फिर यूट्यूब चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये चीज़। अभी थोड़ा सा देखिए ट्रेड पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे जो है चर्चा जारी रखेंगे हम अपनी। तो देखें यहाँ पे अभी है, क्रॉस नहीं किया है, थोड़ा सा मैं वेट और करूँगा कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे, देन विल गो फॉर द ट्रेड, हम फिर ट्रेड के लिए जाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी भी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि 31 सेकेंड्स हैं, क्या पता हम उस एक्सेप्शनल केसेस की तरफ ना ट्रेड ले लें जो हमें हरा के चला जाए। तो डेफिनेटली हम जो बात कर रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट डे से आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत आसान होने वाली है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो मार्केट है ट्रेडिंग का, अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है बट आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाली है, ये प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, और फॉरेक्स और बाइनरी आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं इंडियन मार्केट में, तो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यार
सबसे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो, और चैनल में यार पार्टिसिपेट किया करो, यानी थोड़े एक्टिव रहा करो टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड लाइव ट्रेडिंग चलती है और बहुत कुछ। अब देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ $50 की, और हमारा जो ट्रेड है वो प्लेस हो गई है $50 की, डायरेक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है। टाइमिंग जो सेट की हुई है वो हमने की है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स की टाइमिंग, डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, स्ट्रैटेजी हमारी सेम है। अगर हम नीचे, अगर हम MACD को भी फॉलो करते हैं, अभी मैंने MACD को चेक नहीं किया था, लेकिन अब हम MACD को अगर फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमें MACD भी फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं MACD को। तो MACD में देखोगे आप बड़ी बड़ी लाइन्स यहाँ पर बन रही हैं, इसका मतलब अभी MACD तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कह रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि क्या हो सकता है। देखो एक जो ट्रेड है, जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल वो रेड कलर की बनी है बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, इसीलिए 1 मिनट की ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती इस स्ट्रैटेजी में। और जैसा कि आपको पता है, जब तक कोई स्ट्रैटेजी मैं काफ़ी टाइम तक टेस्ट ना कर लूँ या चेक ना कर लूँ, वो आप लोगों तक मैं नहीं लेके आता हूँ, बिल्कुल नहीं लेके आता हूँ। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसको भी काफ़ी टेस्ट किया मैंने, लगभग 10 में से 8 ट्रेड यहाँ पे विन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पेशेंस लेवल की। अगर आपके पास पेशेंस लेवल है, आपके पास पेशेंस है, सब्र है, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा विन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी इस कंडीशन में, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको कितने मिनट बाद मिलेगी इसे करेंसी में, आप चेक करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 16 से 17 मिनट अगर आप वेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, तो आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप ट्रेड ले सकें। तो 16-17 मिनट का वेट आपको करना पड़ेगा दूसरी ट्रेड लेने के लिए, जो कि यार लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं क्योंकि पेशेंस नहीं होते। यार मैं एक चीज़ हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ, ट्रेडिंग जो है ना वो ऑल अबाउट पेशेंस, ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, बट नॉट ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस के इर्द गिर्द नहीं है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस बहुत मैटर करता है कि इन दी एंड आप प्रॉफिट में लैंड करते हो या नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ और देखते हैं, रेड कलर की कैंडल देखिए बनना स्टार्ट हो गई है और काफ़ी बड़ी बन गई है, मतलब हमारी जो लाइन है ट्रेंड लाइन उसको लगभग लगभग क्रॉस कर दिया है, एंड लाइक बॉर्डर पे चल रहा है, थोड़ा सा नीचे है, बट देखते हैं कि क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं हमारी ट्रेंड लाइन की, अली वॉयलेंट लाइन की, तो अभी इसको क्रॉस नहीं किया है, जब तक इसे क्रॉस नहीं करती है ये रेड कलर की लाइन यानी रेड कलर की कैंडल, तब तक हम सेफ है, तब तक हमारी जो ट्रेड है वो सेफ है। लेकिन इसे क्रॉस कर दिया तो उसके बाद थोड़ी सी इशू या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी ट्रेड के लिए, बट देखते हैं कि क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, हमेशा से आपको कहता हूँ, चाहे हारें चाहे जीते डजंट मैटर, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आप में, पॉजिटिव एनर्जी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रेड हारने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सारा सिनेरियो हमारे फेवर में नहीं है। अगर हम एक ट्रेड हारते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम आर्टिकल से उसको कवर करके सेकंड ट्रेड ले लेंगे, बट अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के इस फील्ड में आगे जाते हैं, जब हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो वहाँ पर हमारा जो केस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे सैटरडे मार्केट में हम ट्रेड ले रहे हैं, और देखो यहाँ पे हमारी जो करेंसी है लगभग लगभग अभी 5 मिनट के लिए हमने ट्रेड ली थी, 1 मिनट 40 सेकंड अभी बचे हैं, एंड अभी हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वायलेंट लाइन को अभी तक क्रॉस भी नहीं किया है। तो इस केस में अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, होप फॉर द बेस्ट कि 1 मिनट 30 सेकंड्स बाद ये जो है नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हमारी जो है विनिंग कैंडल हो सकती है या हमें विनिंग करा सकती है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या होता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट कंडीशंस जो है ना वो अनफेवरेबल हो या फेवरेबल हो वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका ये जो ट्रेड है वो आपके टोटली डिपेंड करती है कि आप किस कंडीशंस में ट्रेड ले रहे हो, आपका ब्रेन कितना एक्टिव है। और कई बार ये चीज़ें ना आपके फेवर में नहीं जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 में से 8 ट्रेड यहाँ पे आप जीतते हो, प्रोबेबली ज़्यादातर केसेस में 8 ट्रेड यहाँ पे आप जीत जाओगे, और बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आप हारोगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो अब यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, लेकिन अब वो वायलेंट लाइन है वो नीचे चली गई है, थोड़ी सी खिसक गई है नीचे की तरफ, और ये रेड कैंडल जो है वॉयलेंट लाइन के ऊपर अभी ऊपर चली गई है, तो ये हमारे लिए अभी बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है इस ट्रेड के लिए। तो डेफिनेटली अभी देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास 59 सेकंड्स रिमेनिंग है, एंड लेट्स सी, मैं थोड़ा सा अभी पॉज लेता हूँ। द रीज़न इज़
कि जो बैटरी है वो लो है एंड चार्जिंग, अभी मैं चार्जिंग जो है वो लगा लेता हूँ, देन विल कंटिन्यू फॉर द वीडियो। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली जो है बैटरी की रीज़न की वजह से यहाँ पे मुझे पॉज लेना पड़ा था, बट वे स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे लास्ट रेट जो है हम लॉस कर गए थे, तो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट रेट लेने वाले हैं वो लेंगे $100 की। तो आपको बताया कि एक ट्रेड हारने से कुछ नहीं होता, बट स्ट्रैटेजी देखिए अगर आप देखते हैं तो अगर हम हल्का सा डिले करते ट्रेड लेने में तो हम यहाँ पे विन कर जाते, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बनी है। कोई बात नहीं, अगर सिचुएशन कई बार आपके हाथ में नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वी लॉस्ट एवरीथिंग, या इस केस में ऐसा नहीं है। तो हम करेंसी जो है हमारे पास जितनी भी करेंसी अवेलेबल है ईच एंड एवरी करेंसी पे देखेंगे कि क्या कोई भी कंडीशंस हमारी स्ट्रैटेजी को फेवर करता है। अगर करता है तो विल ट्रेड। अभी देखो यहाँ पर भी नहीं, एक भी कंडीशन अभी मुझे इस तरीके की नहीं मिल रही जहाँ पर हम ट्रेड ले सकें। तो फिलहाल ये भी नहीं, यहाँ भी हमारी जो वॉलेट लाइन है उसे काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ भी हम 5 मिनट की ट्रेड अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते। अब हमारे पास बहुत ही कम लिमिटेड करेंसीज़ हैं, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं सिनेरियो है। एंड लेट्स सी फॉर द फर्दर, अब हमारे पास लास्ट करेंसी बची है ये भी चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ये भी हमारे फेवर में नहीं है, तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके का मार्केट है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वर्कआउट नहीं कर रही है, किसी भी कंडीशंस को फेवर नहीं कर रही है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास फ़िलहाल तो सारा मार्केट क्लोज्ड है, रीज़न आपको पता ही है क्योंकि आज सैटरडे है। ओके ओके गॉट इट। तो यहाँ पे देखेंगे आप सिचुएशन हमारे फेवर में हल्की सी है। MACD को देखेंगे तो MACD भी हमारे फेवर में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेंड है। अगर हमारे पास नेक्स्ट कैंडल मिलती है ग्रीन कलर की तो हम जाएंगे $100 की ट्रेड 5 मिनट्स। अब जैसे ही ये क्रॉस कर देगा हम वेट करेंगे, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे एंड देन गो फॉर, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल ओके गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शंस और मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड है वो 5 मिनट्स की प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की है, जैसा कि हमारी स्ट्रैटेजी को फेवर कर रहा है। लेकिन अभी हमारे पास 31 सेकंड्स और है, तो नेक्स्ट कैंडल बनने का हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। क्यों ओहो देखिए किस तरीके से मार्केट चेंज हुआ, इसका मतलब अभी जो है बिल्कुल अनस्टेबल है मार्केट। बट इवन दो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वर्कआउट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, बट देखते हैं कि क्या होता है। अब हमारे पास 13 सेकंड्स हैं और उम्मीद करते हैं ये जो 10 सेकंड्स हैं इसके बाद ये जो तो बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है। एंड देखते हैं कि क्या होता है, 3 सेकंड्स 2 एंड 1। ओके, तो इन द सिचुएशन हमारे पास जो है रेड कलर की ही कैंडल है। ओके, तो हमारे पास लास्ट कैंडल भी रेड कलर की ही है, तो सिचुएशन में अभी जो है स्ट्रैटेजी जो है नहीं वर्क करी, बट देखते हैं। उम्मीद तो यही है कि 5 मिनट्स में ये जो है हमारी प्रिडिक्शंस को करेक्ट करके जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रेंड लाइन है अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। एक सेकंड में बहुत ही नीचे एंड एक सेकंड में बहुत ही ऊपर, लाइक सेकंड्स भी नहीं, लाइक माइनर सेकंड्स में भी बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं इस कंडीशंस में। तो अगर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसी कंडीशंस भी आपके साथ अगर होती हैं तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वेट करें नेक्स्ट कैंडल का, जैसा कि अभी आप चेक कर पा रहे हैं ज़रूर यहाँ पे मैं जो है एक ट्रेड हारा हूँ एंड सेकंड ट्रेड भी हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कवर नहीं कर सकते चीज़ें, क्योंकि कई बार अगर स्ट्रैटेजी नहीं काम आती तो आपका एक्टिव ब्रेन वहाँ पे काम आता है, वहाँ पे काम आती है कैलकुलेशंस। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिडिक्शंस अगर काम नहीं आती तो कैलकुलेशंस तो वहाँ पे ज़रूर चीज़ें जो है वर्कआउट होती ही होती हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। हमारे हमारे पास ये जो कैंडल है अगर ये ग्रीन पे फिनिश होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस ट्रेड को विन करने की, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट्स 50 सेकंड्स ऑलमोस्ट लेफ्ट है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। देखिए कंडीशंस आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेड आप देख रहे होंगे किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, सब कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट कर रहा है और मार्केट इतना फ्लक्चुएटिंग है फॉर दिस टाइम, अभी के टाइम पे। इवन दो हम ट्रेड ले रहे हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट से, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये जो है चीज़ें आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कंडीशंस अच्छी हो तब तो कोई बात नहीं, ट्रेड हम लेते हैं, विन करते हैं, हारते हैं। लेकिन जब मार्केट कंडीशंस अच्छी ना हो तब भी हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं, हालांकि अभी तक हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन लेट्स सी। और जहां तक कि मुझे उम्मीद है हम विन कर सकते हैं ये ट्रेड डेफिनेटली, बट देखते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट और 10 सेकंड का टाइम लेफ्ट है और
देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखिए हमेशा से एक चीज़ यार ध्यान रखना, जब मार्केट फ्लक्चुएट हो ना, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो मार्केट में, तब भी देखिए यहाँ पे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट बहुत होता है तो स्ट्रैटेजीज़ वर्क नहीं करती हैं इन दैट केस, ठीक है? तो वो बिल्कुल सही है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इवन मैंने बनाई हैं, मैंने आपको बताई हैं, वो वर्क नहीं करेंगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मार्केट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगे तो भी आपका लगभग लगभग 80% केसेस में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर जाएगी, ठीक है? अगर आप 5 मिनट्स की ट्रेड लेते हैं तो बाकी इतना ज़रूर बताऊंगा, अगर आप मार्टिकल यूज़ करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आप मार्टिकल यूज़ कर सकते हैं, तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट लेके जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आप मार्टिकल फॉलो नहीं करते, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी को आप तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मार्टिकल फॉलो करते हैं तो भी, अगर आप मार्टिकल फॉलो नहीं करते तो भी। लेकिन द फेवर कंडीशन तब आपके ना, कई बार ऐसा होता है कि आप दो ट्रेड लगातार हार जाते हो। हमारे लाइव सेशंस की बात कर लेते हैं, अगर आप वहाँ भी दो ट्रेड कॉन्टिन्यूसली हार जाते हैं तो थर्ड ट्रेड पे इतना प्रेशर होता है, और लोग जो है मार्टिकल फॉलो कई कई लोग जो है करते हैं, कोई नहीं करते, तो जो नहीं करते उनको थोड़ा सा लॉस हो जाता है, और जो कर पाते हैं मार्टिकल वो प्रॉफिट में चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप दो ट्रेड हारते हो सेम अमाउंट के, $50-$50 के, अगर आप दो ट्रेड हार गए, थर्ड ट्रेड आपके पास अमाउंट है, आप 150 की ले सकते हो, लेकिन अगर आप लेते हो $50 की तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट होगा लेकिन आपका ओवरऑल लॉस में ही होंगे आप, ओवरऑल आपकी कंडीशंस होंगी वो लॉस में ही होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो कई बार वर्क नहीं करती हैं, स्ट्रेटजीज नहीं वर्क करती हैं, लेकिन आपका माइंड हमेशा वर्क करता है, आपका दिमाग हमेशा काम करता है, उसको चलते रहना चाहिए, और वो ही चलते रहे तो बहुत है। अब देखते हैं क्या होता है ना, हमारे पास सिर्फ 3 सेकेंड्स बचे हैं, और ये जो ट्रेड है वो हम विन कर गए हैं $180 की, हमने लॉस किया था $50, हमारा प्रॉफिट है $30 का। टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम अभी $30 के प्रॉफिट में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यार कि मार्केट फ्लक्चुएट हो ना, तब भी हम इस स्ट्रैटेजी को वर्क कर सकते हैं। अगर एक एक ट्रेड आप हारते हो तो जीतोगे भी, लेकिन अच्छे खासे मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो आप जीतोगे भी, हारोगे जीतोगे भी। बस यार उम्मीद रखना ना, मतलब इस तरीके से नहीं कि अगर आप एक ट्रेड हार जाते हो तो ख़त्म वहीं पे सारा कुछ, या दो ट्रेड हार जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब है कंडीशंस आपको फेवर नहीं कर रही हैं। आपका ब्रेन है, आप एक्टिव ब्रेन के साथ हो अभी, तो आप कोई बात नहीं, एक ट्रेड हारते हो दो ट्रेड हारते हो, लेकिन आप कवर कर लोगे सारी चीज़ें, आप प्रॉफिट ले लोगे, वहाँ से भी आप प्रॉफिट लेने लायक हो, आप कर सकते हो, लेकिन बस चीज़ें आपके फेवर में, आपके हक़ में होनी चाहिए, जो कि होंगी डेफिनेटली। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो यार चीज़ें अच्छी ही होंगी, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। बाकी यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यार उम्मीद करूँगा और भी ट्रेड हम ले सकते थे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो अभी हम और ट्रेड नहीं लेंगे, तो मुलाकात करेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए यार लाइक कर देना यार वीडियो को, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और यार कमेंट कर देना प्यारी प्यारी यार #TechnicalAvi, और वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला, स्ट्रैटेजी काम कर रही या नहीं कर रही वो लिख देना, ताकि पता लगे कि वीडियो आपने अभी तक यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच यार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।